हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति सरकार्स क्रिएशन। दोस्तों, आज मैं आपसे ऑर्किड के केयर के बारे में बात करूंगी। ऑर्किड का जो प्लांट होता है, ये ग्रो होने में काफ़ी टाइम लेता है। इसमें फूल आने में भी कई बार सालों लग जाते हैं, लेकिन जब इसमें एक बार फूल आ जाता है तो वो फूल भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, 1.5 से 2 महीने, कई बार तो 2.5 महीने भी चल जाता है अगर मौसम ठंडा रहा, अच्छा रहा तो। मेरा जो ये फूल है, ये भी करीब 2 महीने से खिला हुआ है और आप देख सकते कि बहुत फ्रेश है अभी भी, और करीब 15 दिनों तक तो और चल ही जाएगा लगता है देखकर इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके गमले के बारे में या प्लांटर के बारे में। तो ऑर्किड को हमेशा छोटे हवादार गमले में, मतलब जिन गमलों में हवा की आवाजाही अच्छे से हो सके, ऐसे गमले में ही इसे लगाना चाहिए, जिससे इसकी जड़ों को भी हवा मिलती रहे, क्योंकि इसकी जड़ों को नमी के साथ साथ हवा की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम इसे टोकरियों में लगा सकते हैं अलग अलग तरह की, फिर चाहे टोकरियाँ प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो या बाँस की हो। आजकल मिट्टी और टेराकोटा के भी बने बनाए गमले मिलने लगे ऑर्किड के लिए, तो उनमें भी हम ऑर्किड को ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मीडियम के बारे में। तो यही इसका सबसे आश्चर्यजनक या अजीब पहलू कह लीजिए, कि ऑर्किड को हम कभी भी मिट्टी में ग्रो नहीं करते हैं। इसके लिए हमें सबसे अच्छा होता है कि देवदार के जो पेड़ का छाल होता है, उस पर इसको ग्रो करना, लेकिन देवदार का छाल तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि इसे या तो कोकोपीट पे या कोकोनट हस्क पे, मतलब नारियल के छिलके पे, या लकड़ी के भूसे में इसको हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने नारियल के छिलके में 3 गमले मेरे पास में, 2 को मैंने नारियल के छिलके में ग्रो किया है, उसमें मैंने पुराने जो ईंट का टुकड़ा है वो और लकड़ी का कोयला जो है उसका चूरा और टुकड़ा डाला हुआ है, और उसमें मैंने ऑर्किड के प्लांट को रख कर मैंने तार से बांध दिया है। और दूसरा जो गमला है वो नॉर्मल गमले में लगाया हुआ है कोकोपीट पे, लेकिन उस गमले में भी छेद किया हुआ है ताकि उसमें हवा की आवाजाही बहुत अच्छे से हो सके। तो ये जो हम 3-4 चीज़ें डालते हैं, इसी में से इसका खाना अपना पूरा हो जाता है। लेकिन मार्केट में आजकल ऑर्किड फर्टिलाइज़र के नाम से खाद भी मिलता है, वो भी हम थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इसे किस तरह के लाइट में ग्रो करना चाहिए। तो इसे डायरेक्ट सनलाइट पे कभी भी नहीं रखना चाहिए, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पे, जैसे कि खिड़की के किनारे, खिड़कियों पर के आसपास, बाथरूम में या बेडरूम में भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हमें लगे कि ये सूखने सा लगा है तभी हमें इस पर पानी डालना चाहिए। गर्म जगह पे जहाँ हम रहते हैं अगर, तो फिर रोज़ पानी डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ मौसम थोड़ा नमी युक्त रहता है वहाँ हमें थोड़ा देख कर पानी डालना चाहिए। और सबसे अहम बात है, इसकी जड़ों से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कि हम जड़ों से ज़्यादा काट छाट कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सूख गया है कोई जड़, तभी तो हमें उसे छूना चाहिए, नहीं तो ये पौधा मरने का इसमें डर रहता है और इसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो चूंकि ये पौधा हमारे देश का नहीं है, बाहर से लाया हुआ पौधा है, तो इसलिए हमें इसकी देखभाल थोड़ी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। हमें उसके लायक ही उसको एटमॉस्फेयर देना चाहिए जहाँ से वो आया है, तो उसे हवादार, नमी युक्त, कम लाइट में, ऐसी जगहों पे हमें इसे ग्रो करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है अगर हम इसे टांगकर रखें, तो टांगकर रखने से उसमें हवा भी मिलती है और इस तरह से लटका कर रखने से 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाता है और इसकी जड़ों को हवा मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये जानकारी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।